अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ पुदीने के पकोड़े। देखिए, पुदीने के पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने कम से कम आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने उबाल के छील लिया है और ये मैंने बिल्कुल साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये पुदीने के पकोड़े बनाने के लिए ये हम कुछ सामान ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लिया कुछ मसाले। ये हमने आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया है हमने ये चाट मसाला, 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है हमने नमक, और ये लिया है हमने 1.5 कप के लगभग बेसन। और ये हमने पुदीना ले लिया है 2 कप कम से कम। और अच्छे से हमने ये पुदीना धो के साफ़ करके रख लिया है। अब ये हमने सारा सामान इसमें मिला लिया है, सारे मसाले इसमें डाल के आलू में इनको हम अच्छी तरह से और मिला लेंगे। देखिए, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे, हमें एक साथ पानी नहीं डालना है सारा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है जितनी हमें ज़रूरत होगी। और ये हम 2 चम्मच डाल देते हैं इसमें मैदा। मैदा से बहुत ही कुरकुरे बनते हैं ये पकोड़े। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया करके इसको मिला लेंगे। ये देखिए, हमारे ये डो तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने तेल चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम हमने हाई पे ही रखा है। ये देखिए, हमारा ये तेल हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े डाल रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े डालते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पकौड़े एक साइड से पूरे सीख गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड से सेकेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से सेकने के लिए हम इन्हें एक एक करके बदल देंगे। देखिए, एक साइड से इनका कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए, इनका बहुत अच्छा कलर आया है हमारे पकोड़ों का। ये देखिए, पुदीने के पकोड़े वैसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मियों में पुदीने के पकोड़े ज़रूर बनाएं आप। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, ये हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने निकाल लिए हैं एक टिश्यू पेपर पे। और ये हमने दही ले लिया है, इस पर हमने एक खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। और ये हम इस पर डाल रहे हैं सूखा हुआ धनिया और सूखी हुई मिर्च हरी, हमने इन्हें मिक्सी में पीस लिया था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।